आज विपक्ष के गौरव गोगोई ने नो कॉन्फिडेंस मोशन दे दिया है, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, रूल्स में क्लियर कट व्यवस्था दी हुई है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन ला सकता है। उसमें 50 जो माननीय सांसद हैं उनके द्वारा वो खड़े होने की स्थिति में हैं, क्या वहाँ रहेंगे, क्या हाउस में आने दो। पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं मणिपुर पे चर्चा हो। कल गृह मंत्री जी ने भी लोकसभा में फिर बोला, क्योंकि इनका विषय सत्र शुरू होने से पहले यही था कि मणिपुर पे चर्चा कराओ। अब चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए, रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें। ये मुझे लगता बहाना है। सर, नंबर अगेंस्ट ऑपोजिशन है, उसके बाद भी नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो तो उनका काम है जी, उनका काम है, हम क्या करें? सर, कांग्रेस पार्टी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कांग्रेस इज मूव्ड, तो नो कॉन्फिडेंस दिया है। तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है, और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। सर, हालांकि उनके पास नंबर नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना नंबर है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकते हैं। नहीं, वो तो लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा देंगे। अलायंस है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है, तो आप लोग के पास क्या पर्याप्त नंबर है सरकार को हराने? नहीं नहीं, सदन में कि आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन ला। देखिए, इसको थोड़ा इसका निहितार्थ समझिए। हमें पता है आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र आंकड़ों की चीज सिर्फ नहीं होती है। मणिपुर जल रहा है, वहां के लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जुबान कब खोलेंगे। किसी भी और उपकरण से वो जुबान खोल नहीं रहे थे। उंगली की चोट पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में हमारी बहनों के नग्न परेड के बाद भी चुप है, तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनसे कुछ बुलवाया जा सके, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसी की वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। खैर, जो भी है, इन सब के बीच क्या आप लोग के पास इतना नंबर है कि नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, क्या सरकार को हरा पाइएगा आप लोग? देखिए, पहली चीज तो ये है, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का उद्देश्य क्या है वो समझ लीजिए। चार बड़े उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ये है कि सरकार बार बार ये कह रही है कि सरकार बहस चाहती है सदन चलाओ, सरकार बहस चाहती है सदन चलाओ, और विपक्ष शोर मचा रहा है इसलिए सदन नहीं चल पा रहा। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के आने के बाद सरकार मजबूर हो जाएगी सदन चलाने पर, और इस प्रकार के मनगढ़ंत आरोप हम पर नहीं लगेंगे, वास्तव में सदन चलेगा। चार दिन बर्बाद हो गए मानसून सत्र के। विपक्ष कहता रहा बहस कराओ बहस कराओ बहस कराओ, सत्ता पक्ष ने बहस नहीं कराई। तो पहली चीज, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की पहला औचित्य यह है, पहला उद्देश्य यह है कि सबसे पहले सदन चलेगा, बहस होगी जो हम चाहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए भी लाया जा रहा है कि एक विस्तार से, एक लंबी चर्चा हो, एक लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन हो, 5-7 मिनट की खाना पूर्ति वाली चर्चा ना हो। तीसरा बड़ा उद्देश्य इस बहस का कि सरकार को आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन के जवाब में। और चौथा और बड़ा उद्देश्य, ट्रेडिशनली और कन्वेंशनली ये देखा गया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की समाप्ति के पहले प्रधानमंत्री जी खुद सदन के भीतर आकर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर अपने विचार रखते हैं, देश को संबोधित, सदन को संबोधित करते हुए देश के ज्वलंत मुद्दों पर अपना वक्तव्य देते हैं। तो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भी सदन के भीतर आकर जवाब देने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये चार बड़े उद्देश्य हैं। नतीजा क्या होगा, किसके पास संख्या बल है, किसके पास संख्या बल नहीं है, किसके पास आंकड़े हैं, किसके पास आंकड़े नहीं है, तो बात की बात है। चार महत्वपूर्ण उद्देश्य सबसे पहले पूरे हों, और बहुत बार इस प्रकार के लोकतांत्रिक हथियार, ये पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स देश के लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, कमजोर नहीं करते। इससे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, वास्तव में बहस होगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में देश के गहन मुद्दों पर, खासतौर पर मणिपुर पर चर्चा कर पाएगा।